नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कई दिग्गज भारतीय पारी को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भारत को मिली करारी हार के बाद क्रिकेटर से कमेंटेटर बने मोहम्मद कैफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कैफ के ट्वीट को ट्वीट करते हुए ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्रोल कर दिया। एडिलेड टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे कम टोटल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद टीम को 8 विकेट से हार मिली। इस हार के बाद मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, 36/9 एडिलेड में चमकदार धूप में ये देखने को मिला, न कि शाम के समय जब लाइट जलनी शुरू होती है। शाम के समय को लेकर प्लेयर्स डरे हुए थे, लेकिन इंडियन टीम ने इतना खराब प्रदर्शन सुबह के समय ही किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया, नेट्स पर या लिमिटेड ओवर के गेम में आप चाहे जितना खेल लें, लेकिन टेस्ट के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि लाल या गुलाबी गेंद से बल्लेबाजी सही तकनीक के साथ साथ आपके स्वभाव पर भी निर्भर करता है। कैफ के इस ट्वीट पर लोगों ने भी अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय बल्लेबाजों में धैर्य की कमी दिखी। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि निश्चित रूप से भारतीय टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। मोहम्मद कैफ के ट्वीट के बाद हरभजन सिंह ने उन्हें मजाकिया अंदाज में ट्रोल कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाई साहब इतनी अंग्रेजी। भज्जी का ये मजेदार पोस्ट सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और इस मजेदार पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें, पहले टेस्ट मैच में कंगारुओं के हाथों अचानक धराशाही होने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि इस हार के बाद क्या भारतीय टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बचा पाएगी। बता दें, एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। गुलाबी गेंद से खेला गया ये डे नाइट टेस्ट मैच भारत के लिए भूलने वाला रहा। टेस्ट इतिहास में ये 35वीं बार है जब भारत ने एशिया के बाहर 2 या उससे ज्यादा के मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच गंवाया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।